यहाँ मिल रहे टमाटर 59 के, कराची में क्या रेट चल रहा है भाई? ब्रेकफास्ट हमारा आ गया है, वही अंडे पड़ा थे, टोस्ट, बटर एंड जैम, अभी चाय और लस्सी आ रही है। चाय और लस्सी आ रही है। पंजाब का, लाहौर का नाश्ता हो और लस्सी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और फिर पैकिंग करते हैं, कमरे की हालत बुरी है, सब सॉर्ट आउट करेंगे और फिर निकलने की तैयारी। चेकआउट करके इंशाल्लाह इरादा है मॉल चले जाएंगे और थोड़ी बहुत लंच करेंगे, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, क्योंकि यह गर्मी इतनी है कि आप एसी के बगैर नहीं रह सकते। हम आ गए हैं पैकेजेस मॉल, होटल्स हमने चेकआउट कर लिया है और लंच यहीं पे करेंगे। मेनली यहाँ हमें केयरफोर्ट जाना है, थोड़े बहुत स्नैक्स लेने हैं जो हमें ट्रेन में काम आए, क्योंकि अभी जो हमने ट्रेन करवाई है उसमें फ़ूड इंक्लूडेड नहीं है। हमें ग्रीन लाइन नहीं मिली क्योंकि बिल्कुल फुल जा रही है, और हमें कराची एक्सप्रेस मिली है, तो अभी हमें ज़रा खाने पीने का अरेंजमेंट खुद ही से करना पड़ेगा। अब अल्लाह करे इस ट्रेन का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहे, क्योंकि ग्रीन लाइन में तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन इसका अब हमें आइडिया नहीं है, देखते हैं। तो केयरफोर भी आ गया है और काफ़ी अच्छा बड़ा लग रहा है केयरफोर तो यहाँ का। टमाटर 59 के सस्ते मिले यहाँ मिल रहे टमाटर 59 के, कराची में क्या रेट चल रहा है भाई? उठा लूँ 4-5 किलो उठा लूँ यहाँ अचार की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सारे अचार हैं अलग अलग तरह के। मेनली हम यहाँ पे ब्रेड और स्नैक्स लेने आए हैं। यहाँ पे बेकरी आइटम्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और कराची के मुकाबले में लाहौर का ये जो केयरफोर है ये बहुत बड़ा है और यहाँ वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। जलेबी और समोसे भी हैं यहाँ तो भाई। यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं चॉकलेट क्रोसेंट्स, चॉकलेट क्रोसेंट्स तो नहीं दिख रहे लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आई थिंक अब इनमें से ही कुछ लेना होगा। These are cookies. क्या? What is this? Chicken focaccia bread. ये कराची से हाँ। और अभी निकल रहे हैं कराची वापस। अच्छा। तो ये just travel के लिए हम थोड़ा बहुत क्या रहे? इस चीज़ आप लाहौर घूमने हैं? हम basically north घूम के एक दिन लाहौर हमने stay लिया था। अच्छा। लाहौर भी थोड़ा सा घूम लिया, old लाहौर कल देखा, आज हमने कहा कि थोड़ा सा malls वगैरह घूम। थैंक यू। ये डोनट्स पे जाके चिपक गई हैं तीनों। क्या बोल लिया डोनट? इस डोनट यू वांट टू टेक? कराची का जो केयरफोर है वो ना इतना बड़ा है और वहाँ इतनी ज़्यादा वैरायटी भी नहीं है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा वैरायटी आप देख सकते हैं, बर्गर्स, शवरमा, सैलड्स सब है यहाँ पे, एंड एवरीथिंग इज़ सो फ्रेश एंड लुक्स वेरी यमी। शावरमा भी हम यहाँ से ले रहे हैं, बहुत मज़े का लग रहा है। और एक और बात, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीमेल स्टाफ है, बिल्कुल प्रॉपरली यूनिफॉर्म्स में जिस तरह मेल स्टाफ होता है, पर नॉर्मली हमने देखा है कि मॉल्स में फूड कोर्ट्स वगैरह में फीमेल स्टाफ इतना नहीं होता। ब्रेड ले रहे हैं हम, यार ये ब्रेड जो है कराची से ज़्यादा है। हाँ कराची में तो छोटी होती है, चीटिंग, और बड़ी वाली ये प्राइस तो सेम है। केयरफोर से हो गई है हमारी शॉपिंग, और केयरफोर में तो ऐसा लग रहा था कि लाहौर और कराची का जो है मुवाजना चल रहा है। लाहौर का जो केयरफोर है उसका तो भाई कोई मुकाबला नहीं है कराची के केयरफोर के साथ। अब ये एस्केलेटर्स के साथ एक स्लाइड लगी हुई है बच्चों के लिए, कि बड़े जो हैं एस्केलेटर्स से जाएँ और बच्चे स्लाइड से जाएँ। कितनी अच्छी चीज़ है यार, मैंने तो कराची के किसी भी मॉल में ये चीज़ नहीं देखी। इन सब चीज़ों को देख के आइडिया होता है कि लाहौर वाकई में डेवलपमेंट के हिसाब से कराची से आगे है, ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है, काश कराची के हालात भी कुछ बेहतर हो जाएं। किड्स एरिया भी है लेकिन इसको नेक्स्ट टाइम एक्सप्लोर करेंगे, अभी तो भाई ट्रेन पकड़नी है जल्दी जल्दी।
एट द रेलवे स्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे हैं, एक घंटा पहले ही पहुंच गए हैं। अच्छा रेलवे स्टेशन बना हुआ है लाहौर का भी, और अब जल्दी आ गए हैं तो वेटिंग एरिया में थोड़ा वेट करेंगे। फैमिली का वेटिंग एरिया यहाँ अलग से बना हुआ है, ये फैमिली वेटिंग रूम है, यहाँ भी अपना सामान रखेंगे। और आपको दिखाते हैं अभी यहाँ का रेलवे स्टेशन, ये देखें जी, ये है प्लेटफॉर्म, साथ ही सारी शॉप्स छोटी छोटी हैं, अच्छा बना हुआ है, और साथ ही यहाँ पे वेटिंग एरिया। ट्रेन आ गई है हमारी एंड इट्स ऑन टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा कंपार्टमेंट है, आज भी हमने एक पूरा कंपार्टमेंट करवाया है। ट्रेन जो है वो चल चुकी है, मसला हो गया। साथ में हमने ले ली फ्राइज एंड जूस। बच्चे जो हैं अभी टाइम पास कर रहे हैं, एक कर रही है रीडिंग। विच बुक यू आर रीडिंग हरीम? द ग्रेटेस्ट मम्मी एंड माय मम्मी इज द ग्रेटेस्ट, शी इज द होल बुक। लुक मम्मी है, शी इज द होल बुक। होल बुक, या आई रीड यू द होल बुक, द ग्रेटेस्ट मम्मी। फबीहा इज कलरिंग इन हर न्यू कलरिंग बुक। And Muzna is also coloring. Colors for tracing and then coloring the same. So I have colors too, I can color. And I'm going with my new pen. And this one I got it for Nairon. आज जो हमारी वापसी की ट्रेन है वो है कराची एक्सप्रेस। मील्स नहीं है, चादर और तकिया नहीं है, तो हमने खरीद लिए दो तकिए और दो चादरें, क्योंकि ऑब्वियसली एसी चल रहा होता है तो चाहिए होते हैं। लेकिन एसी की वो क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी अलग थी। ये ट्रेन का वो क्वालिटी नहीं है। तो अगर ट्रैवल करना है आपने अच्छी ट्रेन में और मतलब फैसिलिटीज़ के साथ, तो ग्रीन लाइन। हमें ग्रीन लाइन ही चाहिए थी लेकिन हमें मिली नहीं कंपार्टमेंट। एक्चुअली हमें पूरा कंपार्टमेंट चाहिए होता है, तो वो हमें नहीं मिला और हमें वापसी करनी थी। मील्स हमने अरेंज कर लिए, लेकिन अगर बेस्ट क्वालिटी चाहिए तो ग्रीन लाइन, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। खाना पीना, फूड इज़ ऑल्सो गुड टेस्टी। चादर, पिलोज, सारी चीज़ें, पानी देते हैं, चाय देते हैं, हर चीज़ है ना। अब मगरिब हो चुकी है और उस वक्त शोरमा नहीं खाया था हमने, अब खा रहे हैं। कैसे है? अच्छा है ना। बच्चों के लिए डोनट्स भी हैं। अभी इंशाल्लाह इरादा तो है खाने वाले पे रुकने का डिनर के लिए, इंशाल्लाह देखें क्या मिलता है। फ्रेश है, अच्छा है, फ्रेश रहता है, सॉफ्ट है। और हमने रेलवे स्टेशन से निकलते हुए लाहौर से पानी, जूसेस और फ्राइज वगैरह सब ले लिए थे। उस वक्त हमने ये खा लिया था, दो तकिए लिए हमने और ये दो चादरें, 600 रुपए का एक सेट दिया। हाँ, क्योंकि इस ट्रेन में तकिए और चादरें नहीं थे, और उसमें तो सब था, उसमें तो ब्लैंकेट्स तकिए सब था, इसमें नहीं था, तो फिर हमने खरीद ली। आपके साथ जाएंगी दोनों चीज़ें। अच्छी है दोनों चीजें, नॉट बैड। उठ गए थे, मैं तो बहुत दफा उठी हूँ। अब हमारा कितना ट्रैवल बाकी है? 2 घंटे का, इंशाल्लाह 11 बजे पहुँच जाएंगे। ग्रीन लाइन का इसका फर्क ये है कि ग्रीन लाइन में सफाई बहुत ज्यादा है, फर्क बहुत सारे हैं। ठंडी फर्क ये है कि सफाई बहुत ज्यादा है वहाँ पे नाश्ता, वहाँ पे खाने पीने का इंतजाम सारा है, और वॉशरूम्स वगैरह हर रोज साफ होते हैं, हर एक एक दो दो घंटे में, एक एक घंटे में साफ होते हैं। तो अगर आप 22 घंटे का सफर कर रहे हो तो आपको 22 घंटे वॉशरूम साफ होते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं। अगर आप अच्छा कंफर्टेबल सफ़र करना चाहते हैं तो ग्रीन लाइन इज़ द बेस्ट। ट्रेन चलना शुरू हो गई है, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। ब्लॉग का करते हैं एंड, होप कि आपको हमारी ब्लॉग अच्छे लगे होंगे। कमेंट्स में बताइएगा आपको हमारा ओवरऑल सफर कैसा है, सीरीज कैसी है। इंशाल्लाह बैक टू द रेसिपीज, अपनी रेसिपीज, कुछ रेसिपीज जो सीखी है वो भी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। चलो जी, अल्लाह हाफिज़।